देखिए, कोर्ट की संविधान पीठ ने 2018 में फैसला दिया कि सर्विसेज जो है दिल्ली सरकार के पास रहेगा। उसके बाद 2023 में फिर ये फैसला आया अभी एक महीने पहले कि सर्विसेज जो है उसका अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। मगर केंद्र सरकार न जनता की बात मानती है, न संविधान की बात मानती है, न सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार के पिछले 8 साल कोर्ट कचहरी के अंदर बर्बाद हो गए। दिल्ली वालों के काम को रोकने के लिए, दिल्ली के लोगों की वेलफेयर स्कीम्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार आज इस हद तक गुजर आई है कि कोर्ट की छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों के साथ न्याय करेगा। जी, अभी जिस तरह से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट भी करे, कल प्रतियां जलाई गई, तो एक तरह से लड़ाई सड़क पे भी जारी है। संसद सत्र आने वाला है, उसमें भी आप लोगों की क्या कुछ रणनीति रहेगी, और कोर्ट में क्योंकि मामला है तो सड़क पे भी आप लड़ाई जारी रखेंगे इसकी? दिल्ली की जनता बेहद दुखी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई समर्थकों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि भाई बाकी सब तो ठीक है, बट ये जो है ये तो अन्याय हो रहा है। ये दिल्ली के साथ और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के साथ अन्याय है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कृत्य किया है, लोगों के मन में केंद्र सरकार की जो साख थी वो बहुत नीचे आई है। जी, एक सर्विसेज विभाग के मंत्री हैं, सर्विसेज सेक्रेटरी ने राजशेखर जो है वाईवीपी के राजशेखर, उन्होंने कल एक आदेश जारी किया। उस आदेश में है कि जो लोग भी जो रिसर्च स्कॉलर हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उन लोगों को हटा दिया जाए सभी विभागों से, और जो जो मतलब बिना एलजी की अनुमति के लगाए गए हैं। फाइनेंस देखिए, डिपार्टमेंट को भी कहा गया कि उनके लिए वेतन ना जिन जारी किया। राजशेखर का नाम आपने लिया उनके तो खुद खिलाफ मेरे पास कंप्लेंट आई हुई है कि उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नकली है, और बार बार बुलाने के बाद भी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट और उससे जुड़ी हुई जानकारियां दिल्ली विधानसभा में नहीं दी। ऐसा अधिकारी जिसके खुद के सर्टिफिकेट के ऊपर आरोप हों, वो देश और दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे 25 साल से लेकर 35 साल की उम्र के यंग फेलोज हैं, ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़े हुए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए हैं, विदेशों में और देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी पढ़ के आए हैं।